इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ वेव ऑप्टिक्स, आज हम ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. लेट अस सी द क्वेश्चन. इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट. तो यानी आपको इंटेंसिटी दे दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितनी है, वो के यूनिट के बराबर है. तो वी आर गिवन विद आई नॉट लेट अस से इज इक्वल टू के यूनिट. यानी हमें दोनों इंटेंसिटी आई वन इज इक्वल टू आई टू दैट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू के यूनिट, एक तो इंटेंसिटी के बराबर है, के यूनिट्स के बराबर है. और ये कब कह रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. तो एक ही कॉमन पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन. सो कहते हैं फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3 एंड लैम्डा बाय 2. तो एक कंप्लीट साइकिल के जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तब आपको इंटेंसिटी के मिल रही है. लेकिन जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा या लैम्डा बाय 3 होगा, इन सभी केसेस के लिए क्या होगा, तो इंटेंसिटी का रिलेशन क्या बन जाएगा. तो हम देखें, अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस पाथ डिफरेंस वॉज लैम्डा एंड इसके लिए इंटेंसिटी हो गई आपकी, फेज डिफरेंस हो गया 2π. दिस इज़ द नॉर्मल रिलेशनशिप. तो हम एक इंटेंसिटी का रिलेशन लिखते हैं जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में ड्राइव किया है. आई इज इक्वल टू आई वन आई टू एंड टू अंडर द रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस ऑफ 5. बट इफ़ वी आर कंसिडरिंग दैट आई वन आई टू आई नॉट के इक्वल है, सो यू विल प्लेस इट हेयर एंड यू विल गेट द रिलेशनशिप 2i ऑफ नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ 5, विच अगेन कैन बी कन्वर्टेड सो एज टू राइट 4i नॉट कॉस स्क्वेयर ऑफ 5/2. नाउ लेट अस कंसिडर ईच केस 1 by 1. तो पहला केस तो यही हो गया कि लैम्डा अगर है तो फेज डिफरेंस पाई. तो इफ़ यू हैव पाथ इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज कितना हो रहा था, 2π हो रहा था. तो अगर ऐसा होता है तो आई किसके बराबर आ जाएगा, 4i0, और हम पाई को यहाँ पे 5 की जगह पे 2π पुट करते हैं. तो पाई एंड 2 and 2 कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर ऑफ 5 विच विल गिव यू 4i0 एंड दैट इज इक्वल टू के. सो ये तो हमें दिया है कि ये पहला पार्ट उसने बोला कि जब आपकी इंटेंसिटी आई जो थी वो 4i0 के इक्वल थी, वो के बराबर था. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. लेट अस सी सेकंड पार्ट. अच्छा ओके, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि मैंने i0 को ही के बोल दिया था. तो i0 को आप के ना बोलें यहाँ पर, दिस इज 4i0 क्योंकि उसने बोला है कि लैम्डा इज के यूनिट, मतलब पाथ डिफरेंस फॉर लैम्डा. अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तब इंटेंसिटी के यूनिट है. तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हमने कंसिडर किया तो 4i0 आया विच वॉज के. तो हमें ये लेना है. अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. जब हमें लैम्डा 4 पुट करना है तो लैम्डा बाय 4 होता है दिस पोजिशन. सो अगर इतना वेव लेंथ आप लोगे तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो जाता है आपके पास, पाई बाय 2. यहाँ होता है हाफ लेंगे तो पाई होता है, इधर लेते हैं तो 3 पाई बाय 2 पाई बाय 3. सो ये अलग अलग पोजीशंस मैंने बता दी हैं. तो यहाँ तीनों ही मांग रहा है, पहले पे तो लैम्डा बाय 4 मांगा. तो अगर पाथ आपका लैम्डा बाय 4 हो जाता है तो उस केस में 5 हो जाता है पाई बाय 2, और अगर ऐसा होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगा 4i0. और अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव की जगह पे अपने पाई बाय 2 पुट करना, जो कि इट विल बी बिकम पाई बाय 4 एंड दैट वैल्यू विल बी योर 1/√2. और उसको हम कर सकते हैं, उसका भी स्क्वेयर कर रहे हैं तो 1/2 एंड दिस विल गिव यू 2i0 एंड दैट इज इक्वल टू के बाई 2. तो k तो 4i0 था तो उसका आधा कर दिया तब जाके आपको ये मिला. थर्ड पार्ट में पूछा लैम्डा बाय 3 हो जाए तो पाई उस वक्त क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा एंड इंटेंसिटी भी आपका चेंज हो जाएगा 4i0 एंड कॉस स्क्वेयर. आप 2π जब यहाँ पुट करेंगे बाय 3 तो सिर्फ π/3 बचता है एंड व्हेन यू प्लेस द वैल्यू यू विल गेट 4i0 और 4i0 बाय 1/4 हो जाएगा. तो दैट विल गिव यू ओनली i0. तो मैं लिख लेती हूँ 4i0 into 1/4 क्योंकि स्क्वेयर हो रहा है तो हम हाफ का स्क्वेयर कर देंगे तो उसका मतलब 1/4. 4 and 4 कैंसिल आउट, ओनली i0 यानी k/4 क्योंकि k तो आपका 4i0 था. तो आप जब यहाँ पे k की वैल्यू पुट किए, इसको 4i0 पुट कर देंगे तो k/4 बच जाता है. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. व्हेन योर पाथ इज लैम्डा बाय 2, पाथ इज लैम्डा बाय 2 तो फाई उस वक्त कितना हो जाता है, पाई. अब आप आई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिस होल विल बिकम 0 क्योंकि साइन और कॉस ऑफ पाई की वैल्यू जो है वो हमें पाई भी का भी हमने क्या करना था, पाई बाय 2 करना था. तो हाफ हो जाएगा उसका, तो हाफ होते ही आई विल बी 0. सो दीज आर द डिफरेंट केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट.
तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम प्लॉट करें डायग्राम, अगर आपको याद हो तो, या फिर रिमाइंड करा देती हूँ मैं, कि जब सेंट्रल मैक्सिमा आई मैक्सिमा आता था और परफेक्ट कंट्रास्ट होता था तो आपके पास ये 4I0 के इक्वल आता था, और यहाँ आता था आई इंटेंसिटी मिनिमा, वो होती थी 0, और यही कंटिन्यू करता था हमारी साइकिल बोथ साइड। तो आपको कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी थी वो होती तो एक्चुअल में 4I0 है, बट यहाँ ये उसे बोल रहा है I0। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, हमारा एक रिलेशनशिप था जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, जो हम बोलते थे 4I0 cos square of 5/2। सो अब ये 4I0 जहाँ भी होगा उसे हम I0 मान के चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमा, ये मैक्सिमा ही बताता है, एम्पलीट्यूड ही बताता है। तो ये बोल रहा है कि दिस आई मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की जो वैल्यू है दैट शुड बी नॉट 4I0 बल्कि दैट शुड बी I0। तो अब मैं इस इक्वेशन को चेंज कर देती हूँ एंड आई विल राइट द इक्वेशन एज I0 cos स्क्वेयर ऑफ 5/2। सो दैट विल बी देयर। तो इसको हम कुछ डैश से कह दें तो मैं I0 कह देती हूँ पुराने वाले को। सो 4I0, तो यहाँ लिख देते हैं कि 4I0 जो था वो आपके I0 के इक्वल एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज वो ये बोल रहा है कि वो इसके इक्वल है। सो इसीलिए मैक्सिमा बोल दिया उसने उसको, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज λ/6, λ/4 एंड λ/3। तो अगर पार्ट डिफरेंस डिफरेंट आ जाए आपके पास, तो पाथ अगर आपको दिया हुआ है कितना, λ/6 दे रहा है, तो उस केस में फाई कितना हो जाता है, π/3। अगर पाथ डिफरेंस बोलता है λ/4, तो λ/4 के लिए पाथ डिफरेंस हो जाता है हमारे पास π/2। ये पिछले केस में भी हमने ये सब डेराइव किया था। और थर्ड बोलता है अगर ये λ/3 हो, तो अगर पाथ आपके पास λ/3 हो तो फिर फेज हो जाता है 2π/3। ये तीनों हमने, ये दोनों केसेस भी हमने तीनों केसेस वहाँ पे भी किए हैं। सो वी कैन कैलकुलेट दी इंटेंसिटी। तो I इज इक्वल टू I0। अब ये फार्मूला हमें लेना है, वो नहीं लेना है, ये लेना है I0 cos of cos square π/6 एंड दिस विल गिव यू 3I0/4। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, cos square π/6 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी थी, उसका भी स्क्वेयर करना है, यानी cos 30 की वैल्यू, π/6 मीन्स 30, तो cos 30 की वैल्यू और उसका भी स्क्वेयर, √3/2 होता है, उसका स्क्वेयर किया, √3 हट गया, 2 का ये आ गया वैल्यू। नाउ I का निकालेंगे, ये हम दोनों केसेस पहले भी सॉल्व करें, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं। तो अगर I0 π/2 लेते हो तो फिर आपके पास रिलेशन आएगा I0/2, और अगर यहाँ केस लेते हैं तो ये आ जाएगा I0/4। ये सेम केस है जो हमने पीछे किया। अच्छा, ये लैम्डा और π/2 निकालने का अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड आप यूज़ करें, कि लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस था 2π, तो 1 के लिए कितना हो गया 2π/λ, और अगर आपको केस दिया हुआ है यहाँ पर कितना λ/6, तो λ/6 के लिए कितना हो गया 2π/λ into λ/6 कर देते हैं, तो देन यू विल गेट दिस वैल्यू, यहाँ से कैंसिल होकर 3, यानी π/3। तो ये π/3 इस हिसाब से आया। ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। लेट अस सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इज एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। हमें विड्थ का, मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो दे रखा है 9:25, यानी हमें जो गिवन है वो है आई मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो है, वो दिया है 9:25। एंड दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ। तो अगर हम रिलेशनशिप विड्थ के साथ देखें तो I1/I2, जिसको आप a1² / a2² बोलते हैं, उसको हम W1 यानी width1/width2 भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे ये width1/width2 का रेशियो चाहिए, तो मुझे a1/a2 का रेशियो चाहिए, उसका स्क्वेयर कर दें, सो वी विल गेट द आंसर। सो हम इसको रेशियो निकालने के लिए पहले हम इसे चेंज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के रेशियो को हम बाय फार्मूला, हम ये भी लिखते थे कि r-1/r+1 उनका स्क्वेयर, और ये r-1, r क्या होता था, r रेशियो होता था a/b का। तो यहाँ पे मैंने a1 a2 ले लिया, तो लेट मी कॉल इट एज a1/a2 -1 का स्क्वेयर एंड a1/a2 -1 + 1 का होल स्क्वेयर। तो दोनों हमने रेशियो ले लिए, और इसको हम किससे इक्वेट कर दें, 9/24 से, तो इसे भी स्क्वेयर की फॉर्म में ले आते हैं, तो दिस विल बिकम 3/25 का, 5 का इनफैक्ट, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी इसी फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्व कर दें। सो यू मे राइट दिस इम्प्लाइज दैट r-1
by r plus 1 is equal to 3 by 5. So you cross multiply this and then you simplify for r. तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, और इसी r को हम a1 by a2 भी बोल रहे हैं. So that means width ratio अब क्या हो गया, therefore w1 by w2 is equal to a1 by a2 का होल स्क्वायर होता था, तो ये हो गया 16:1. तो आंसर आ गया, दिस इम्प्लाइज 16:1 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इन दिस क्वेश्चन टू कोहरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1. तो आपको इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है, यानी इंटेंसिटी रेशियो जिसको हम बोल सकते हैं ए वन बाई ए टू बोल सकते हैं, या फिर ए वन ए बाई बी भी बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पर ए वन बाई ए टू ले लेती हूँ, एंड दैट इज़ गिवन टू यू 81:1. सो आपको इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है, एम्पलीट्यूड रेशियो दे रखा है, और वो लेट मी चेक इट, हुज इंटेंसिटी रेशियो इज दिस. तो दे हैव गिवन द इंटेंसिटी रेशियो, नॉट तो इंटेंसिटी रेशियो निकालें, दैट विल बी इक्वल टू आई वन बाई आई टू ऑफ टू. लेकिन आई वन बाई आई टू जो होता है वो ए वन बाई स्क्वेयर के बराबर होता है. तो फॉर दैट आई विल हैव टू टेक दिस इन अंडर द रूट. तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, आई वन आई टू इज 81:1, बट दिस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए वन बाई टू. अगर मेरे को ए वन बाई ए टू की टर्म्स में चाहिए तो दिस विल बी गिविंग यू 9. सो एज वी वर गिवन द इंटेंसिटी रेशियो, अच्छा ये रूट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट ही आएगा. तो हम इंटेंसिटी रेशियो हमें गिवन था आई वन बाई आई टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आई वन बाई आई टू वॉज गिवन विच वॉज 81:1, बट हमें ए वन बाई ए टू का रेशियो चाहिए, क्योंकि बाद में क्या मांग रहा है वो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो हमसे मांगा गया है, अब हमसे सेकेंड पार्ट में मांगा गया है आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमा का रेशियो बता दो. तो हमसे ये चीज़ मांगी गई है, तो आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमा, और ये होता है ए वन बाई ए टू प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन बाई ए टू माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ पुट कर दें, हमारा ये रेशियो ए वन बाई ए टू 9 आ गया था, सो वी कैन पुट 9 प्लस 1 बाई 9 माइनस 1 एंड दैट होल स्क्वायर. सो 100:64, दिस विल गिव यू 25:16. सो आंसर हमारा आया था 25:16. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, एंड वी कैन जस्ट से आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमा हमें निकालना था. गिवन था आई वन बाई आई टू 81:1, लेकिन एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम कहते हैं ये रिलेशनशिप जो मैंने ऊपर भी लिख दिया था, आई वन आई टू जो है वो ए वन ए टू के स्क्वेयर के बराबर होता है. स्क्वेयर हटाओगे तो यू विल गेट दिस इन अंडर द रूट. तो वहीं यहाँ पे अंडर रूट हमने प्लेस किया, एंड देन फाइनली हमें आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमा चाहिए था, जिसमें आप या तो ये कह लें रिलेशनशिप या ये कह लें. तो मैंने यही डायरेक्टली लगा दिया है, आर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, सीधा यहाँ पे रेशियो पुट किया एंड देन उसके बाद सॉल्व कर दिया. सो विल गेट दिस आंसर. सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन करेंगे.